दिया है तुमने कि हम नबी की मोहब्बत के लिए ये छर्रा छर्रा नहीं, अगर सौ कोस भी जाना पड़े तो हम नबी की मोहब्बत में सौ कोस जाने के लिए तैयार है। नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क, और जमाना छूटे रूठे रूठने देना। अब सुनो मेरी बात, अपनी शादियों में ढुलकियां मत बजवाना। तुम बहाने बनाते हो कि हमारी साली नहीं मानी, साली रूठे तो रूठ जाने देना, साला रूठे तो रूठने देना, साले रूठे तो रूठने देना, लेकिन शादी में ढुलकियां मत बजवाना। बल्कि जब तुम्हारे बेटे या बेटी की शादी का प्रोग्राम हो तो 8 दिन पहले से अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़वाना। अगर तुम अल्लाह का मुकद्दस कुरान 8 दिन पहले से अपने घर में पढ़वाओगे तो अगर आने वाली दुल्हन खराब भी होगी तो कुरान की मोहब्बत से नेक और अच्छी हो जाएगी। और अगर तुमने शैतान को दावत दी, नाच गाने कराए, ढुलकियां बजवाई, डीजे बजवाए, तो समझ लो तुम्हारे घर में डीजे ही बजते रहेंगे। और डीजे ऐसे बजेंगे, कान खोल के सुन लो, बजाते हो तिरंगे डीजे बजते रहेंगे, तुम्हारे घर के डीजे बंद नहीं होंगे। डीजे ऐसे बजेंगे, हेलो को याद रखो, मालूम हुआ भाई क्या हो गया, क्यों लोग इकट्ठे के डीजे बज गया किस किस में, कि बीबी ने हंडिया फेंक दी तो शोहर ने डलिया फेंक दिया। इस तरह के डीजे बजेंगे, डीजे पीजे से दूर रहो। और ये जो मुहर्रम के महीने में तड़पड़ तड़पड़ करते फिरते हो ना, इससे दूर रहा करो। मुहर्रम का महीना और ढोल, मुहर्रम का महीना और बाजे, नहीं बाजे बाजों से दूर रहो, बोल ताशों से दूर रहो। नबी नबी या हुसैन के नारे लगाया करो। जब मुहर्रम का महीना चांद नजर आया करे तो अपनी आंख से हुसैन की मोहब्बत में आंसू बहाया करो। अगर तुमने अपनी आंख से हुसैन की मोहब्बत में आंसू बहाया, कल कयामत के दिन मेरे आका हुसैन उसकी मगफिरत और निजात फरमाएंगे। लेकिन अगर तुमने लाली लगा लगा के और डीजे पे नाच किया तो आका हुसैन राजी नहीं होंगे। तो आज मेरी बात समझ में आ रही है, चाहे जमाना रूठे रूठने देना, लेकिन अपने नबी को खुदा को रूठने मत देना। अरे यार, अगर तुमने नबी को रूठा दिया तो कहाँ जाओगे? अरे जिससे नबी रूठ जाते हैं खुदा रूठ जाता है उससे। जबी मेरी तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हुस्न के दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बस एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही बस एक।